Hello friends, welcome to the video lecture series on the subject construction technology and we are in the module named foundation. तो foundation में अब तक हमने shallow और deep foundation के बारे में देखा है. Where after the completion of shallow foundation, in deep foundation we studied regarding types of deep foundation named pile and caisson. तो pile और caisson खत्म होने के बाद today we are going to start with cofferdams. This is also a type of deep foundation. ये भी एक deep foundation का type है. And we are going to study regarding this in detail today. So let us quickly start with the content. A cofferdam is a temporary structure which is built in a river, lake, etc. to remove water from an area and make it possible to carry out on the construction work under reasonably dry condition. तो देखिए, कॉफरडैम एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है. देखो ये टेम्पररी स्ट्रक्चर है विच इज रिमूव्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन हैज बीन एग्जीक्यूटेड. मतलब ये बाद में निकाल दिया जाता है. स्टिल देखिए, हम ये फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम फाउंडेशन निकाल देते हैं. फाउंडेशन टेम्पररी है विच इज बिल्ट इन अ रिवर, लेक एटसेट्रा. मतलब ये ज्यादातर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में काम आता है. नाउ व्हाट इज इट्स यूज, मतलब इसका काम क्या है. टू रिमूव वाटर फ्रॉम एन एरिया एंड मेक इट पॉसिबल टू कैरी आउट द कंस्ट्रक्शन वर्क अंडर रीजनेबली ड्राई कंडीशन. मतलब इसका काम यह रहता है कि इसको पानी रिटेन करना है. सपोज वी आर वांट टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन अंडर रिवर और लेक, एट दैट टाइम वी डोंट हैव दैट ड्राई कंडीशन. मतलब तभी रिवर या फिर लेक में अगर हमें फाउंडेशन करना है फॉर सपोज अ ब्रिज, तब हमें ड्राई कंडीशन नहीं मिलती है. एंड टू मेक इट ड्राई, पानी वहां से निकालने के लिए टेम्पररी डैम बनाते हैं हम. दैट टेम्पररी डैम इज नोन एज कॉफर डैम. पॉसिबल टू कैरी आउट द कंस्ट्रक्शन वर्क अंडर रीजनेबली ड्राई कंडीशन. टेम्पररी वो पानी वहां से रिटेन करता है एंड मेक इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनीथिंग अंडर रीजनेबली ड्राई कंडीशन. सो दिस इज द बेसिक वर्क एंड दिस बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कॉफर डैम. Cofferdams are usually required for the projects such as dams, docks and construction of bridge piers and abutments. तो देखिए, generally ये dam बनाने में काम आता है, docks, that is a structure at seashore and construction of bridge piers, मतलब bridge के जो columns रहते हैं, center वाले सभी columns, उसे piers बोलते हैं. एंड एबिटमेंट्स, एबिटमेंट्स मतलब ब्रिज के जो एंड वाले कॉलम्स रहते हैं, एंड वाले पियर्स रहते हैं, उसे हम एबिटमेंट बोलते हैं. तो टेम्पररी ये कॉफर डैम खड़ा करके सभी जो पानी वहां पे एक्यूमुलेट हुआ है उसे रिमूव करने के लिए कॉफर डैम बनाया जाता है. एंड कॉफर डैम्स आर यूजुअली यूज फॉर सच प्रोजेक्ट्स. तो बेसिकली थियोरिटिकली हमने देख लिया व्हाट इज द यूज एप्लीकेशन ऑफ कॉफर डैम. ऑन द नेक्स्ट एंड विल सी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉफर डैम. देखिए कॉफर डैम्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैसा होना चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट है द कॉफर डैम शुड बी रीजनेबली वाटर टाइट. देखिए अगर ये वाटर टाइट नहीं हुआ, वाटर प्रूफ नहीं हुआ, देन वाटर विल स्टार्ट टू परकुलेट फ्रॉम द पोर्स इन साइड द कॉफर डैम एंड अगेन विल नॉट गेट दैट रीजनेबली ड्राई कंडीशन व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. मतलब जो ड्राई कंडीशन हमें चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्क कैरी आउट करने के लिए वो हमें नहीं मिलेगी अगर ये टेम्पररी स्ट्रक्चर कॉफर डैम वाटर टाइट नहीं हुआ तो. इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट साइट ऑफ वर्क. मतलब ये कास्ट इन सिटू वर्क है, कंस्ट्रक्शन की साइट पे ही बनाया जाता है. देन द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ कॉफर डैम शुड बी सच दैट द लोकल द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मिनिमम. तो मतलब कॉफर डैम की डिजाइन और लेआउट जो है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो मिनिमम रहे. मतलब ये क्योंकि ये टेम्पररी स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड परमानेंटली, बाद में निकाल दिया जाता है, तो इस तरह से इकोनॉमिकली बनाया जाता है. इट शुड बी स्टेबल अगेंस्ट बर्स्टिंग, ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग अंडर द फ्लड एंड वेव्स. मतलब ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि ये सभी चीजें रेजिस्ट कर सके, जैसे पानी का फ्लो रहता है उससे वो बर्स्ट ना हो पाए, फट नहीं जाता, ओवरटर्निंग ये पलट नहीं जाएगा, स्लाइडिंग ये खिंच नहीं जाता है, कुछ इस तरह से ये बनाया जाता है. बिकॉज यू कैन जस्ट इमेजिन द कंडीशन अंडर विच द कॉफर डैम फेल्स एंड पीपल आर वर्किंग एट द कंस्ट्रक्शन साइट. सो दिस वर द रिक्वायरमेंट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉफर डैम. देन आफ्टर ऑन द थर्ड नंबर वी हैव आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड रिक्वायरमेंट्स यूजेस ऑफ कॉफर डैम.
देखिए, इफ यू आर आस्क्ड व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉफर डैम, देन यू नीड टू मेंशन दिस फोर पॉइंट्स. उसमें से सबसे पहला पॉइंट है टू फैसिलिटेट पाइल ड्राइविंग ऑपरेशंस. तो हमने देखा कि पाइल इज अ टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन. तो कई बार ऐसा होता है कि फॉर डिजाइनिंग और एग्जीक्यूटिंग द वर्क इन अंडर वेट कंडीशन, मतलब अगर पानी में हमें पाइल ड्राइविंग करना है तो इट इज नॉट पॉसिबल. तो उसके लिए हमें वहां से टेम्पररीली पानी निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कॉफर डैम. तो कॉफर डैम एक बार हम बनाते हैं तो उसके बाद टेम्पररीली पानी वहां से निकाल के हम पाइल ड्राइविंग ऑपरेशन कैरी आउट कर सकते हैं. सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज टू फैसिलिटेट पाइल ड्राइविंग ऑपरेशन. देन आफ्टर ऑन द सेकेंड नंबर वी हैव टू प्लेस ग्रिलेज एंड राफ्ट फाउंडेशन. मतलब सिमिलरली पाइल फाउंडेशन के साथ साथ ग्रिलेज और राफ्ट फाउंडेशन जो कि शैलो फाउंडेशन के टाइप्स है वो वर्क भी कैरी आउट करने के लिए हमें ये टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाना है. अगर हमारा स्ट्रक्चर पानी में है तो, फाउंडेशन पानी में बनने वाला है तो. देन ऑन द थर्ड नंबर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट फाउंडेशन ऑफ पियर्स एंड एबिटमेंट ऑफ ब्रिज डैम लॉक्स एटसेट्रा. तो जैसा हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था ये सभी टाइप के स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कॉफर डैम इस्तेमाल करना है, बनाना है. टू प्रोवाइड वर्किंग प्लेटफॉर्म्स फॉर द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग व्हेन वाटर इज मेट विथ. मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो बिल्डिंग है, हमारा स्ट्रक्चर है, रेसिडेंशियल हो या कॉमर्शियल, उसका एक्सकवेशन करते ही वहां पे पानी आ जाता है. सो टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ कंडीशंस हमें कॉफर डैम बनाना है ताकि हमें एक ड्राई प्लेटफॉर्म मिल सके फाउंडेशन बनाने के लिए, हमारा बिल्डिंग बनाने के लिए. सो दीज वर द फोर पॉइंट्स. यू कैन इवन एलेबोरेट इंट्रोडक्शन में से, रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉफर डैम में से आप यूज में इंक्लूड कर सकते हैं. देन ऑन द फोर्थ नंबर वी हैव फैक्टर्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ कॉफर डैम. देखिए यहां पे बहुत से टाइप्स ऑफ कॉफर डैम्स है जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं, बट वॉट आर द फैक्टर्स विच वी कंसिडर फॉर द सिलेक्शन ऑफ कॉफर डैम. मतलब कॉफर डैम सिलेक्ट करने के लिए, टाइप ऑफ कॉफर डैम सिलेक्ट करने के लिए हमें कौन से फैक्टर्स देखने हैं, तो उसके लिए 8 पॉइंट यहां पे दिए हैं. उसमें सबसे पहला पॉइंट है द एरिया टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कॉफर डैम. देखिए ये स्मॉल एरिया, लार्ज एरिया, वेरी लार्ज एरिया, मतलब एरिया की जो साइज है उसके ऊपर डिपेंडेंट टाइप ऑफ कॉफर डैम. द डेप्थ ऑफ द वॉटर टू बी डेल्ट विथ, मतलब शेलो डेप्थ, वेरी वेरी मच डीप वॉटर, तो ये सभी वॉटर लेवल्स कंसिडर करके हम टाइप ऑफ कॉफर डैम सिलेक्ट कर सकते हैं. देन आफ्टर द थर्ड पॉइंट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉटर टॉपिंग बाय फ्लड्स, टाइड्स एटसेट्रा. मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम जहां पे स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं वहां पे वॉटर टेबल बहुत स्टेबल है, पानी ज्यादा बहुत मोशन नहीं दिखा रहा है, बट समटाइम्स ड्यू टू रेन और वॉट एवर रीजन इट मे बी इन द अंडर द रिवर और वॉट एवर, कई बार ऐसा होता है कि वहां पानी का जो मोशन है वो बहुत फास्ट है और ओवर टॉपिंग और टाइड्स की जो प्रॉब्लम है वो वहां पे रहती है. तब हमें कुछ स्ट्रॉन्ग कॉफर डैम चाहिए, तो उसके लिए कुछ अलग टाइप का कॉफर डैम हमें सिलेक्ट करना है. सो दिस इज ऑल्सो द क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ कॉफर डैम. देन फोर्थ पॉइंट इज द नेचर ऑफ बेड ऑन विच द बेड इज रेस्टिंग फॉर द वेट ऑफ कॉफर डैम और इट इज रेजिस्टिंग द वेट ऑफ कॉफर डैम. मतलब हमारा कॉफर डैम जिस सॉइल के ऊपर, जिस सॉइल बेड के ऊपर रेस्ट कर रहा है, उस सॉइल की जो टाइप है, मतलब उसकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी अगर इनफ है तो कुछ और इकोनॉमिकल कॉफर डैम हम सिलेक्ट कर सकते हैं. और अगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सॉफ्ट सॉइल है विथ वेरी लो बेरिंग कैपेसिटी, तब हमें कुछ और टाइप का कॉफर डैम सिलेक्ट करना है. सो दिस डिपेंड्स ऑन द सॉइल बेरिंग कैपेसिटी अंडर वाटर. देन वेलोसिटी ऑफ वाटर, जो हमने यहां पे बात की, अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर बिल्कुल जीरो है, वाटर एकदम स्टेबल है, देन वी कैन सिलेक्ट इकोनॉमिकल कॉफर डैम, टेम्पररी इकोनॉमिकल कॉफर डैम. बट इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज मोर, तो हमारा डैम कॉफर डैम जो है वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, बट स्टिल वी नीड टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन वर्क एंड वी नीड टू सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉफर डैम टू रेजिस्ट दिस वेलोसिटी ऑफ वाटर. देन ऑन द सिक्स्थ नंबर वी हैव पॉसिबिलिटी ऑफ स्कावर. तो जैसा कि मैंने बताया, स्कावर मतलब कि ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये वाटर की वेलोसिटी की वजह से पूरा एक लेयर जो है सॉफ्ट सॉइल का धुल जाता है, निकल जाता है, इट इज एंटायरली रिमूव्ड. सो वी नीड टू कंसिडर दिस फैक्टर वाइल सिलेक्टिंग द कॉफर डैम.
अगर हमें मालूम है कि सॉइल का जो लेयर है वो एकदम सॉफ्ट है और फ्यूचर में कभी भी वेलोसिटी ऑफ वाटर वाटर के फोर्स की वजह से निकल जाने वाला है, तो हमें हमारा कॉफर डैम कुछ सॉइल में डीप ले जाना पड़ेगा। सो टू टेक इट डीप वी नीड टू सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉफर डैम। देन द सेवंथ पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटीरियल। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि कॉफर डैम इकोनॉमिकल होना चाहिए बिकॉज इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर, ये टेम्पररी ही रखते हैं हम, तो वी नीड नॉट टू मेक इट विथ एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल। वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन दैट वी नीड टू क्रिएट अ कॉफर डैम। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर सिलेक्टिंग द कॉफर डैम टू मेक इट इकोनॉमिकल। देन आफ्टर ऑन द एट नंबर वी हैव ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल। देखिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें इसकी फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं, कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है वो भी कंसिडर करनी है फॉर सिलेक्शन ऑफ कॉफर डैम टाइप। सो दीज आर द एट मेन पॉइंट ड्यू टू विच वी कैन सिलेक्ट हम कौन सी टाइप का कॉफर डैम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आफ्टर द फैक्टर्स ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ कॉफर डैम वी विल कंटिन्यू विथ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉफर डैम। सो टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉफर डैम, ये छह टाइप के कॉफर डैम्स वर्ल्ड वाइड मोस्टली यूज किए जाते हैं। वे द मोस्ट कॉमन इज अर्थ फिल कॉफर डैम, देन आफ्टर रॉक फिल कॉफर डैम, रॉक फिल ग्रीप कॉफर डैम, सिंगल वॉल कॉफर डैम, डबल वॉल कॉफर डैम एंड सेल्यूलर कॉफर डैम। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉफर डैम वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल टूडे। ये सभी कॉफर डैम्स के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज अर्थ फिल कॉफर डैम। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड कॉमन टाइप ऑफ कॉफर डैम। इट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ एन अर्थन एम्बैकमेंट बिल्ट अक्रॉस अराउंड द एरिया टू बी एनक्लोज्ड। तो यहां पर मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया है कॉफर डैम का, बीच में से अगर हम काटते हैं तो कुछ इस तरह सा क्रॉस सेक्शन हमें दिखाई देता है। एंड दिस इज मेड अप ऑफ अर्थन एम्बैकमेंट, मतलब अर्थ फिल या सॉइल से बना हुआ होता है। This is the area to resist water, मतलब ये डैम की तरह एक्ट करता है एंड इट रेजिस्ट द वॉटर। यहां पर हम कंस्ट्रक्शन वर्क कैरी आउट कर सकते हैं। दिस इज द एरिया वेयर वी कैन कंस्ट्रक्ट दी और एग्जीक्यूट दी कंस्ट्रक्शन वर्क। हियर वी कैन सी हाउ द वॉटर हैज बीन रेजिस्टेड, ये वॉटर रेजिस्ट हो गया है एंड इट एक्ट लाइक अ डैम एंड इसीलिए इसे कॉफर डैम बोला जाता है। इट इज कंसिडर्ड और इट इज कंस्ट्रक्टेड इन द प्लेस वेयर द डेप्थ ऑफ वॉटर इज नॉट मच, मतलब यह ज्यादातर अगर डेप्थ ऑफ वाटर है तो यह इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब 1.3 टू 1.8 मीटर डेप्थ तक हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सी पॉइंट प्लीज नोट डाउन 1.3 टू 1.8 मीटर एंड यहां पे वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो भी कम होनी चाहिए, इट शुड बी लो। द टॉप एम्बैकमेंट शुड बी अबाउट 1 मीटर अबाउट द वाटर लेवल, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो एटलीस्ट 1 मीटर होना चाहिए। 1 मीटर दिस इज द टॉप एम्बैकमेंट, मतलब एम्बैकमेंट में जो का जो टॉप है, टॉप एम्बैकमेंट। इट शुड बी 1 मीटर अबव द वॉटर लेवल, ये वॉटर टेबल है उससे मिनिमम ये बात कर रहा हूं मैं 1 मीटर होना चाहिए। सो इफ एट ऑल इट ओवर टॉप्स द टॉप एम्बैकमेंट, अगर किसी भी सिचुएशन में ये वाटर टेबल ओवरटॉप कर देता है तो यहां पे हमने एक ड्रेन प्रोवाइड की है और ये स्लोप है 2:1, यहां से वाटर फ्लो करके ये ड्रेन से बाहर निकल जाएगा, बट इट शुड नॉट बी परमानेंटली, परमानेंटली ओवरटॉप नहीं होना चाहिए। इट इज इसीलिए हमें मिनिमम 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है टॉप एम्बैकमेंट और वाटर लेवल के बीच में। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इकोनॉमिकल टाइप ऑफ कॉफर डैम। And after this, we'll talk about the second type of cofferdam, which is known as rock fill cofferdam. Now here, if the depth of water to be retained by embankment of cofferdam is of order about 1 to 1.8 to 3 meter, मतलब ये अगर 1.8 से 3 meter के बीच में water level है, जो कि वहाँ पे earth fill में हमने 1.3 to 1.8 देखा था, यहाँ से starting from 1.8 to 3 meter इतनी depth है water की, तो हम स्टोन या फिर रबल से एम्बैकमेंट बना सकते हैं। स्टोन मतलब ये टाइप ऑफ रॉक है, इसीलिए यहां पे मैंने दिखाया रॉक फिल, इससे एम्बैकमेंट बना सकते हैं टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ वाटर।
एंड दिस कंस्ट्रक्शन इज अडोप्टेड ओनली इफ द स्टोन इज इजीली अवेलेबल एट द कंस्ट्रक्शन एरिया साइट. मतलब अगर हमारी कंस्ट्रक्शन एरिया है, हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पर हम ये रॉक फिल या स्टोन्स रबल है जो बोल सकते हैं, वो इजीली अगर अवेलेबल है तभी हम ये टाइप ऑफ रॉक फिल कॉफरडैम इस्तेमाल करेंगे. एन इम्पर्वियस लेयर ऑफ अर्थ इज लेड ऑन द आउटर फेस ऑफ द कॉफरडैम विच मेक्स इट इम्पर्वियस. मतलब यहाँ पे एक इम्पर्वियस लेयर हमने अर्थ का, सॉइल का प्रोवाइड कर दिया है एकदम कॉम्पैक्ट करके, ताकि यहां से वाटर अंदर परकोलेट ना हो, क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं बहुत से वॉइड्स अवेलेबल है, तो यहां से इजीली वाटर अगर यहां तक पहुंच जाता है तो परकोलेट हो जाएगा. एंड सिमिलरली हियर वी हैव प्रोवाइडेड अ ड्रेन. अगर किसी भी सिचुएशन में ये वाटर ओवरटॉप करता है, इसके ऊपर से निकल जाता है, तो यहां से ड्रेन से बाहर निकल जाता है. बट दिस शुड नॉट बी परमानेंट. अगेन सेइंग यहां पे हमें एक मीटर का डिस्टेंस रखना है. एंड द प्रोज रिगार्डिंग दिस इज इट इज स्ट्रॉन्गर देन अर्थफील्ड डैम. अर्थफील्ड डैम से ये स्ट्रॉन्गर है एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ ग्रेटर हाइट कंपेयर टू अर्थफील्ड डैम. सो दिस वॉज ऑल अबाउट रॉकफील्ड डैम. इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप. एंड देन आफ्टर वील टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ कॉफर डैम, दैट इज रॉकफील्ड क्रीप कॉफर डैम. ये रॉकफील्ड क्रीप कॉफर डैम का स्ट्रक्चर आप कुछ देख सकते हैं, जो कि अलग है कंपेयर टू अर्थ एंड रॉकफील्ड डैम. सो बेसिकली दिस रॉकफील्ड क्रीप कॉफर डैम इज कंप्राइज ऑफ टिम्बर क्रिब्स. मतलब ये टिम्बर क्रिब्स से बनाया जाता है. ये जो है इसे टिम्बर क्रिब्स बोलते हैं. तो अ क्रिब इज अ फ्रेमवर्क ऑफ वुडन हॉरिजॉन्टल एंड क्रॉस बीम लेड इन ऑल्टरनेट कोर्सेस. मतलब ये जो क्रिब है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मवर्क है, जिसे हम फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं, ऑफ वुडन हॉरिजॉन्टल एंड क्रॉस बीम. मतलब ये वुडन हॉरिजॉन्टल क्रॉस बीम्स है, लेड इन ऑल्टरनेट कोर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये ऑल्टरनेट कोर्सेज में हम ले करके हैं. दिस क्रिब्स आर ओपन एट द बॉटम एंड इट इज फिल्ड विथ स्टोन्स और क्ले. मतलब ये नीचे से खुला रहता है जो क्रिब्स की, हॉरिजॉन्टल फ्रेमवर्क की बात की हमने, ये नीचे से ओपन रहता है और यहां से स्टोन्स और क्ले हम अंदर बिछा सकते हैं. एंड सिमिलरली टू दैट ऑफ द अर्थ फील एंड रॉक फील डैम, ये भी एक क्रॉस सेक्शन है. अगर हम हमारे डैम को भी टेम्पररी जो स्ट्रक्चर है उसे बीच में से काटेंगे तो कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन हमें दिखाई देगा, जहां पे ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ वुडन फ्रेमवर्क हमने यहां पे दिखाए हैं. एंड दिस थ्री क्रिब्स आर फिल्ड विथ रॉक्स. मतलब ये स्टोन से फिल किए गए क्रिब्स है. एंड दिस टू आर फिल्ड विथ क्ले फिलिंग. मतलब ये वुडन के जो फ्रेमवर्क है वो क्ले से फिल किए गए हैं. कुछ इस तरह से जो क्रिब्स है वो फिल करने से क्या होगा कि हमारे डैम को, हमारे कंटेम्पररी कॉफर डैम को स्टेबिलिटी मिलेगी, ये स्टेबल हो जाएगा. दिस गिव्स स्टेबिलिटी टू द क्रिब अगेंस्ट ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग. ये ओवरटर्न और स्लाइड नहीं होगा. फॉर दिस टाइप ऑफ कॉफर डैम्स फ्यू कंडीशंस आर फेवरेबल. मतलब ये कॉफर डैम्स के लिए जो कंडीशंस फेवरेबल है वो है द वर्किंग स्पेस इज लिमिटेड. मतलब यहां पे जो काम करने की जगह है वो लिमिटेड हो जाएगी, ज्यादा नहीं मिलेगी. द बेड ऑफ द स्ट्रीम इज हार्ड. मतलब यहां पे अगर हमारा जो स्ट्रेटा है, सॉइल बेड है, वो हार्ड होना चाहिए. मतलब इसकी बेरिंग कैपेसिटी कुछ ज्यादा होनी चाहिए. द डेप्थ ऑफ द वॉटर इज हाई. मतलब ये वॉटर लेवल है, डेप्थ ऑफ द वॉटर ज्यादा होनी चाहिए. द करंट ऑफ वॉटर इज स्विफ्ट. मतलब अगर वॉटर का जो करंट है, वॉटर फ्लो वेलोसिटी है, वो ज्यादा है. एंड देर इज अ डेंजर ऑफ ओवरटॉपिंग. अगर ओवरटॉपिंग का डेंजर है, वहां पे अर्थफील्ड और रॉकफील्ड डैम इस्तेमाल नहीं कर सकते. एंड वी नीड टू सिलेक्ट रॉकफील्ड क्रीप कॉफर डैम. सो देखिये, ये भी हमने डिस्कस किया था ऑन द फैक्टर्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ कॉफर डैम. अगर डेप्थ ज्यादा है वॉटर की तो हम रॉकफील्ड क्रीप सिलेक्ट करेंगे. एंड द लास्ट थिंग और लास्ट टाइप ऑफ कॉफर डैम फॉर फॉलोइंग कंडीशंस आर फेवरेबल आर टिम्बर इज अवेलेबल चीपली. जहां पे टिम्बर है, लकड़ी है, वो इजीली अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन साइट पे, वहां पे हम रॉकफील्ड क्रीप कॉफर डैम इस्तेमाल कर सकते हैं. ज्यादातर यह जंगल के पास हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज वेर इजीली टिम्बर इज अवेलेबल. सो आफ्टर दिस थर्ड टाइप ऑफ कॉफर डैम विच इज रॉकफील्ड क्रीप कॉफर डैम, वील गो विद द फोर्थ टाइप ऑफ कॉफर डैम, दैट इज सिंगल वॉल कॉफर डैम. और यहां पे दो सेक्शन में हमने डिवाइड किया है हमारा स्ट्रक्चर. एक है प्लान, ये हम ऊपर से देख रहे हैं हमारा स्ट्रक्चर, टेम्पररी स्ट्रक्चर, और ये है सेक्शन. अगर हमारा ये जो प्लान है, यहां से हम कट करते हैं, एक्स एक्स सेक्शन यहां पे दिखाया है. तो बेसिकली
This type of cofferdam is only used when the enclosed area is very small and the depth of water is more. मतलब enclosed area जहाँ पे हमें construction work करना है उसका area कम है और depth of water ज्यादा, मतलब 4.5 to 6 meter depth है water की. 4.5 यहाँ पे मैंने दिखाया, पर ये 6 meter तक भी हम कर सकते हैं. 4.5 to 6 meter तक की depth और enclosed area मतलब कम होना चाहिए, तब हम single wall cofferdam इस्तेमाल करेंगे. Timber piles known as guide piles are first driven deep into the firm ground below the river bed. मतलब सबसे पहले तो ये टिम्बर की जो पाइल्स है जिसे हम गाइड पाइल्स बोलते हैं, इसे सब बहुत अच्छे से पाइल ड्राइविंग किया जाता है. Then here depending upon the velocity of water flow, the center to center spacing of the piles may be decided. मतलब अगर velocity of flow ज्यादा है तो ये center to center space जो है पाइल्स की वो कम रहेगी. दिस सेंटर टू सेंटर, सॉरी. Longitudinal runners called wales are then bolted to the guide piles at suitable distance apart. Sheet piles or of steel or wooden are then driven into the river bed. मतलब यहाँ पे दोनों sheet और whale, sheet और guide piles के बीच में wales लगाई जाती है, जो कि longitudinal runners है, ज्यादातर ये concrete से बनाए जाते हैं. To make it stable, ये एकदम fix करने के लिए और stable करने के लिए बनाए जाते हैं. And this sheets on the two faces are fixed with supported with strut. मतलब ये whales है और ये piles है, तो इसे support करने के लिए हम strut लगाते हैं. And then after the half filled bags of the sand and are staked on the inside and outside face of the sheets. मतलब ये sheet के अंदर और बाहर की तरफ stakes of the soil, sand, मतलब sand बिछाई जाती है to make it more stable. And then at last, after the construction of this cofferdam, the water in the enclosed area is pumped out and the construction work is been carried out. मतलब या तो इस तरफ या फिर इस तरफ, जहां पे हम construction work carry out करना चाहते हैं वहां से हमें water pump out करना पड़ेगा. And then after the construction work will be carried out, तब हम construction work carry कर सकते हैं. So this is all about the single wall cofferdam. And after this, we'll go towards move towards double wall cofferdam. See, it is similar to that of the single wall cofferdam. Yes, same hai, but where the pro is we can enclose more area over here. वहाँ पे हमने बात की थी, हमें small area enclose कर सकते हैं वहाँ पे, but here we can enclose more area as compared to ज़्यादा area यहाँ पे हम cover कर सकते हैं construction work carry out करने का. And here the depth is 750 centimeter. That is 7.5 meter. मतलब ये 7.5 meter तक इसकी water की depth रहती है और it can go up to 12 meter. ये 12 meter तक, ये that is 1200 centimeter तक हम extend कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं. Double wall cofferdam are provided to enclose large area as I said, and its construction is essentially the same as that of the single wall cofferdam, except that in the place of one wall there are pair of walls. मतलब यहाँ पे wall की pair इस्तेमाल की जाती है. With a gap in between is used all along the boundary of the space to be enclosed. This type of cofferdam can be used up to 12 meter. ये 12 meter तक इसकी depth हम कर सकते हैं. यहाँ पे guide piles है, whales है and sheet piles, और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया pair of walls can be used in the sheet piles and a strut is used to support this setup. So this is all about double wall cofferdam. And our last type of cofferdam is cellular cofferdam. And this type of cofferdam are made up of steel sheet piles. तो हमने जैसे कि types of piles में देखा था कि sheet piles जो कि vertical नहीं पर horizontal load लेने के लिए बनी जाती है, partition करने के लिए बनी जाती है. तो basically ये steel की जो sheets है उससे pile बनाते हैं. It is mostly used for dewatering large areas in place where the depth of water may be ऑफ ऑर्डर 18 to 21 मीटर. मतलब यह ज्यादा से ज्यादा बहुत 18 से 21 मीटर बहुत होता है. देखिए 18 to 21 मीटर इसकी डेप्थ रहती है. दिस इज द प्लान, ये हम प्लान देख रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन नहीं दिखाया है. तो जहां पे 18 से 21 मीटर तक वाटर डेप्थ रहती है. एंड डी वॉटरिंग ऑफ लार्ज एरियाज, मतलब बहुत बड़ा एरिया है एंड डेप्थ ऑफ वाटर इज ऑल्सो वेरी लार्ज, वहां पे हम सेल्युलर कॉफरडैम इस्तेमाल करते हैं. दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ कॉफरडैम, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसिव है.
एंड बट प्रो हियर इज 18 to 21 मीटर तक हम जा सकते हैं डेप्थ में एंड ज्यादा एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क कैरी एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देर आर टू टाइप्स, देखिए यहाँ पे दो टाइप के सेल्यूलर कोफर डैम है, सर्क्यूलर टाइप ऑफ सेल्यूलर कोफर डैम दिस लाइक दिस एंड डायफ्राम टाइप ऑफ सर्क्यूलर कोफर डैम, दिस आर द टू टाइप्स ऑफ कोफर डैम। यहाँ पे मैंने प्लान दिखा है, हम ऊपर से देख रहे हैं। तो जैसा कि क्राइटेरिया हमने बताया 18 to 21 मीटर तक डेप्थ में हम जा सकते हैं एंड लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं, दिस आर द टू मेन प्रोज। यू कैन नोट डाउन द मेन पॉइंट्स फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कोफर डैम। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कोफर डैम एंड factors affecting the selection of type of cofferdam, requirements of cofferdam, use of cofferdam and at last we did types of cofferdam. So, aaj ke liye sirf itna hi, wait for my next videos.